दोस्तों सावन के महीने के बाद भाद्रपद का महीना शुरू हो चुका है। भाद्रपद के इस महीने में कई प्रमुख त्योहार आने वाले हैं, जिनमें से श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी एक है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता भी है कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 18 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। वही दोस्तों, अगर बात करें जन्माष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त की, तो जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन दोपहर 12:05 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वही इसी दिन 18 अगस्त को रात 8:41 से 19 अगस्त रात 8:59 तक ध्रुव योग बना रहेगा, जबकि 17 अगस्त को दोपहर 8:56 से 18 अगस्त रात 8:41 तक वृद्धि योग रहेगा। व्रत पारण का समय 19 अगस्त को रात 10:59 के बाद होगा। दोस्तों हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन देश के सभी मंदिरों में साफ सफाई के साथ मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है, साथ ही श्री कृष्ण अवतार के रूप में झांकियां भी निकाली जाती है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके एक अच्छे झूले को सजाकर उसमें श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। स्त्री और पुरुष रात के 12 तक इसमें व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के समय ही हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों बात करें श्री कृष्ण की पूजा की, तो झूले में बैठाने के बाद उन्हें अक्षत व रोली का तिलक लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण पर फूल अर्पित भी किए जाते हैं। वैजयंती का फूल अर्पित करना सबसे शुभ माना गया है। उसके बाद भगवान को माखन व मिश्री का पंच अमृत का भोग लगाया जाता है, साथ ही मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया भोग सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो दोस्तों क्या आप भी भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हुए इस त्योहार को मनाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।